हेलो एवरीवन टुडे वी आर कमिंग बैक विथ अवर लेक्चर नंबर फोर ऑफ दिस सीरीज दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ओके तो ये हमारा लेक्चर नंबर फोर है तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ओके स्ट्रेस स्ट्रेन का क्या एक डायग्राम है उनका एक रिलेशन है क्या बिहेवियर करते हैं मटेरियल कैसे बिहेव करता है ओके okay, वो उसमें हम स्टडी करेंगे नाउ प्रोसीड टू ओवर फर्स्ट slide. स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और बिहेवियर ऑफ मटेरियल वायर अंडर continuously इंक्रीजिंग लोड मतलब जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाएंगे तो वायर पे जैसे लोड बढ़ाएंगे तो वायर पे कैसा स्ट्रेस आ रहा है और कैसा स्ट्रेन आ रहा है उसका एक रिलेशन है ओके okay? वो रिलेशन अभी हम ये ग्राफिकल ये इसके फॉर्म में ओके okay? डायग्राम के साथ ये स्टडी करेंगे ग्राफ के साथ वायर वायर इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज लोड स्टेप बाय स्टेप तो एक वायर है हमारे पास जिसके ऊपर हमने लोड अटैच कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उसका लोड हम इंक्रीज कर रहे हैं तो जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वो वायर का इलॉन्गेशन बढ़ते जाएगा तो उस पर स्ट्रेस बढ़ते 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 एक लिमिट के बाद वायर टूट जाएगा तो वो वही हमें देखना है कि यहाँ पे वो किस लिमिट के बाद उस वो टूट जाता है ब्रेक हो जाता है ओके तो यहाँ पे देखो क्या है ग्राफ ऑफ स्ट्रेस अगेंस्ट स्ट्रेन इज शोन तो यहाँ पे स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन का एक ग्राफ है देखो ये स्ट्रेस है ये स्ट्रेन है ओके तो वो यहाँ पे शो किया है ओ पोजिशन इज अ स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पे देखो ओ ई e का स्ट्रेट लाइन है तो ग्राफ में अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या रहता है दोनों जो क्वान्टिटी है दोनों एक्सीज पे वो एक्चुअली वहाँ पर प्रोपोशनल है मतलब एकदम डायरेक्ट ये कॉन्स्टेंट है वहाँ पे ओके कॉन्स्टेंट इंक्रीजिंग है इसलिए वो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ओ पोजिशन इज अ स्ट्रेट लाइन विच इंडिकेट्स दैट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इसलिए यहाँ पे देखो इतने लिमिट तक क्या होगा स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन यहाँ पे इतने में होगा ओके स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ये चीज होगी मीन्स स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन दैट इज वायर ओबेस हुक्स लॉ तो इतने अम एरिया में क्या होगा वहाँ पे वो वायर हुक्स लॉ को वहाँ पे फॉलो uh, करेगी ओबे करेगी ओके okay? पूछ लो अब टू पॉइंट ई ई पॉइंट तक ही ओके ई ई तक ही होगा ये मतलब इलास्टिक लिमिट जो है वो एक्चुअली ई तक ही है उसके आगे इलास्टिक लिमिट नहीं है ओके मतलब जो हमारे मॉड्यूलर्स जितने भी काम कर रहे थे वो विद इन इलास्टिक लिमिट था ना तो ये जो हमारा इतना रीजन बनेगा वो इलास्टिक लिमिट का रीजन बनेगा तो उसके अंदर ही काम करेंगे वो ओके बाद में वो, वो रूल फॉलो नहीं कर पाएंगे वो फॉर्मूला ओ भी नहीं होगा उसका ओके द स्ट्रेस करेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई ओके okay, तो जो ई e पॉइंट पे जो स्ट्रेस आ रहा है इज मैक्सिमम स्ट्रेस ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस है टू विच वायर कैन बी लोडेड विदाउट एनी परमानेंट इलॉन्गेशन मतलब परमानेंट इलॉन्गेशन यहाँ तक तो नहीं होगा मतलब ये जो इलास्टिक लिमिट है यहाँ पे कैसा होगा कि किसी भी तरह का इलॉन्गेशन है तो जैसे हम डिफॉर्मिंग जो फोर्स है निकाल देंगे मतलब लोड निकाल देंगे तो वो इलॉन्गेशन वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा यहाँ तक जितना ये ई e तक दिया है ना वहाँ तक इतना इलास्टिक लिमिट तक ये पॉसिबल है ये जो इलास्टिक लिमिट का ये जो रीजन है इतना तो यहाँ मैं ये बताता हूँ देखो ये ये इलास्टिक लिमिट का ये रीजन है बन गया ओके ये रीजन है तो इस रीजन के अंदर एक्चुअली ये पॉसिबल है कि वो बॉडी है वो वापस उसका शेप रिगेन करेगी बट उसके बाद में ये पॉसिबल नहीं होगा इलास्टिक लिमिट एक बार निकल जाएगी उसके बाद नहीं होगा ये ओके तो देखो दिस इज़ कॉल्ड इलास्टिक लिमिट ऑफ वायर तो इसी को ई पॉइंट तक जो है वो उसके बोलते हैं इलास्टिक लिमिट ऑफ वायर ओके कि इस लिमिट के अंदर क्या होगा कि जैसे ही बॉडी पे कोई भी अप्लाइड फोर्स है जैसे यहाँ पे हमने क्या बताया कि एक वायर है वायर के ऊपर हमने लोड लगा दिया है तो लोड को अगर हम बढ़ाते हुए जाएंगे तो ये लिमिट तक क्या होगा कि लोड को जैसे हम रिमूव करेंगे वो वायर फिर से उसके ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे मतलब इलॉन्गेशन वापस ओरिजिनल शेप की तरह तरफ चला जाएगा ओके मतलब इंटरनल स्टोरिंग फोर्स यहाँ पे जनरेट हो सकते किसी भी तरह का मॉलिक्यूल्स के बीच का स्ट्रक्चर यहाँ पे कोलैप्स होने के चांसेस नहीं है ओके परमानेंट डिफॉर्मेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ओके ये विदिन इलास्टिक लिमिट ये सब पॉसिबल है बट एक बार इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गई तो वहाँ परमानेंट डिफॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है फिर उसके बाद अगर हम और लोड को निकाल भी देंगे तो भी वो फिर से ओरिजिनल शेप वहाँ पे रिगेन नहीं कर पाएगा अगर इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर चुके हैं तो ओके तो अभी नेक्स्ट अभी हम इलास्टिक लिमिट भी क्रॉस करेंगे ओके वो भी देखते हैं क्या होता है तो देखो ये ऐसा रहता है जैसे जैसे देखो यहाँ पे ये मटेरियल खींचा जा रहा है खींचा जा रहा है खींचा जा, जा रहा है तो ये स्ट्रेस इल्ड हो रहा है फिर यहाँ पे देखो टूट गया जैसे ही टूट गया वो ब्रेकिंग स्ट्रेस आ गया ओके इस तरह से रहता है तो ये आप देख सकते हो देखो ऐसे जैसे मटेरियल को ये खींच रहा है यहाँ पे देखो स्ट्रेस यहाँ पे मतलब यहां तक इसका इलास्टिक लिमिट था जैसे ही ये हो गया वो वहां पे ब्रेक हो गया वहां से नेक्स्ट देखते हैं ई ई प्राइम पोर्शन जो है इसका ई ई प्राइम पोर्शन मतलब इसके आगे का जो पोर्शन है ये ओके okay, ये पोर्शन में क्या होगा देखो ई ई प्राइम पोर्शन इज कर टू स्ट्रेन एक्सिस विच शोज दैट इंक्रीज इन स्ट्रेन इज मोर देन व्हाट इज वारंटेड uh, एक्सपेक्टेड मतलब जो हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे स्ट्रेन बढ़ गया है ओके okay. बहुत ज़्यादा जितना हम एक्सपेक्ट करते थे बाई करिस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेन यहाँ पे हो गई दैट इज स्ट्रेन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस तो यहाँ पे स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है मतलब हुक्स लॉ यहाँ पे ओबे नहीं हो रहा है एट एनी पॉइंट बिटवीन ई एंड ई प्राइम इफ ऑल द लोड इज़ रिमूव मतलब यहाँ पे अभी ई ई प्राइम के बीच में जो पॉइंट्स है उसके उसमें कहीं पे भी अगर हम लोड को रिमूव कर देते हैं तो वहाँ परमानेंट डिफॉर्मेशन तो आना है ऐसा हुआ इज रिमूव देन सम परमानेंट इलॉन्गेशन ऑकर्स इन द वायर मतलब कुछ अमाउंट में वहाँ परमानेंट इलॉन्गेशन वहाँ पे आएगा ओके okay, वायर के अंदर दिस इज़ कॉल्ड सेट यहाँ पे सेट बोलेंगे इस कंडीशन को सेट बोलते ओके okay? कि वो सेट हो जाएगा वहाँ पर चेंज नहीं होगा उसका शेप <coughs> अभी नेक्स्ट क्या है देखो वेन वायर इज अगेन सब्जेक्टेड टू लोड मतलब वायर अगर हमें फिर से मतलब वायर पर अगर हम और लोड डालते न्यू स्ट्रेट लाइन एस ई प्राइम फिर नेक्स्ट और एक स्ट्रेट लाइन आएगी एस ई प्राइम अगर हम और लोड ज़्यादा डालते तो एस ई प्राइम करके एक और एक ये आ, लाइन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है ओके okay? वो लाइन हमें क्या इंडिकेट करती है देखो अभी वो देखते हैं देखो शोन बाय डॉटेड लाइन इज ऑप्टेन इंडिकेटिंग हुक्स लॉ मतलब ये जो लाइन है वो हमें फिर से हुक्स लॉ देगी ओके मतलब ये लाइन हमें और हुक्स लॉ के लिए हमें और एक चांस दे रही है कि यहाँ पे हुक्स लॉ वापस हो सकता है सम पोर्शन आफ्टर पॉइंट वाई ओके अभी पॉइंट वाई जो है वहाँ तक हम आ गए ओके इज़ ऑलमोस्ट पैरेलल टू स्ट्रेन एक्सिस ओके okay. जो वाई का जो पॉजिशन है वहाँ पे क्या होगा स्ट्रेन एक्सीज क्या दैट इज स्ट्रेन इंक्रीजेस विदाउट इंक्रीजिंग स्ट्रेस तो यहाँ पे स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है विदाउट इंक्रीजिंग स्ट्रेस जस्ट लाइक वायर फ्लोज दिस इज कॉल्ड इल्डिंग तो यहाँ पे जो आ रहा है वाई तक जो आ रहा है ओके okay, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं इल्डिंग एंड दिस इज प्लास्टिक फ्लो दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक फ्लो ओके एंड द पॉइंट विच इन विच दिस फ्लो बिगिनस मतलब वहाँ पे वायर क्या होता है एकदम ईजिली ऐसा इलंगेट हो रहा है मतलब फ्लो हो रहा है ऐसा ही कंटिन्यू फ्लो बिगिनस इज कॉल्ड इल्ड पॉइंट इस पॉइंट को बोलते हैं इल्ड पॉइंट एंड द स्ट्रेस द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू इल्ड पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेस तो स्ट्रेस की जो वैल्यू है ये पॉइंट पे उसको स्ट्रेस बोलते हैं विथ द प्लास्टिक फ्लो तो प्लास्टिक फ्लो के साथ वायर बिकम्स थीन एंड थीन तो यहाँ पे क्या होता है वायर बहुत ज़्यादा थीन हो रही है सम वीक पॉइंट्स सम वीक पॉइंट्स कॉल्ड नेक आर फॉर्म्ड इन द वायर मतलब वायर के बीच में कुछ वीक पॉइंट भी क्रिएट हो जाएंगे कि वहाँ से वायर टूटने के चांसेस है उसको नेक बोला जाता है ओके एंड द वायर बिकम्स थीन एंड थीन इन द रीजन ऑफ द नेक वे द स्ट्रेन इंक्रीजेस स्पीडीली एंड स्ट्रेस डिक्रीजेस एंड अल्टीमेटली एट वीकेस्ट पॉइंट एंड अल्टीमेटली एट वीकेस्ट पॉइंट वायर ब्रेक्स मतलब किसी एक वीक पॉइंट पे वायर एकदम से वीकेस्ट पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट जो होगा वहाँ पर वायर टूट जाएगी ओके द करेस्पॉन्डिंग पॉइंट इज बी तो अभी फिर जहाँ पर वो ब्रेक होगी वो पॉइंट बन जाएगा बी पॉइंट ओके इन द ग्राम इज द ब्रेकिंग पॉइंट तो बी पॉइंट को बोला जाता है ब्रेकिंग पॉइंट ब्रिटल मटेरियल्स लाइक हाई कार्बन स्टील एक्सेट्रा ब्रेक इमीडिएटली अपट्टर इलास्टिक लिमिट इज क्रॉस्ड मतलब जो का हाई कार्बन स्टील जो रहता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाएगी वो तुरंत टूट जाता है ओके डक्टाइल मटेरियल्स लाइक कॉपर रॉड आयन अंडर गो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो डक्टाइल जो मटेरियल्स है कॉपर है आयन है तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चले जाते हैं मतलब वहाँ पर क्या होता है कि एक बार डिफॉर्मेशन आ गया तो वो वापस उसका ओरिजिनल शेप नहीं लेगा एंड इट्स लेंथ गोज ऑन इंक्रीजिंग देन वायर ब्रेक्स ओके कोजॉन इंक्रीजिंग एंड देन वायर ब्रेक्स ओके नेक्स्ट देखते हैं अभी देखो डेफिनेशन कुछ देखते हैं यहाँ पर जो हमने देखा हो तो जो था अल्टीमेट स्ट्रेस क्या चीज थी देखो अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब ना डी पॉइंट पे जो है उसको अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रेस यहाँ पे होगा ओके okay. और उसके बाद उस स्ट्रेस को अगर जैसे हम क्रॉस करेंगे एकदम फास्ट में वो सब टूटना चालू हो जाएगा वायर टूटना चालू हो जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस पे आएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है द मैगजिम स्ट्रेस अप टू विच वायर कैन बी लोडेड और वायर कैन टीयर इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब मैग्जिम स्ट्रेस है ऐसा कि चाह उसके बाद वायर एकदम से टूट जाएगा उसी को बोला जाता है ब्रेकिंग uh, स्ट्रेस बोलते हैं द करेस्पॉन्डिंग पॉइंट इन द ग्राफ इन द ब्रेकिंग पॉइंट इज बी ओके और ब्रेकिंग स्ट्रेस का और एक डेफिनेशन है इट इज़ द मैगजिम स्ट्रेस एट विच द वायर ब्रेक्स ओके अब अल्टीमेट स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है इट इज द मैगजिम स्ट्रेस द सिस्टम इज़ कैपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग मतलब ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस है कि जहाँ पे सिस्टम अभी भी टिका हुआ है ओके okay. अभी अल्टीमेट स्ट्रेस का और एक डेफिनेशन है अल्टीमेट स्ट्रेस इज डिफाइंड एज दी रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड दैट द स्पेसी मैन मीन सिस्टम जो है इज़ कैपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग टू इट्स ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब वही चीज़ है अभी जो मैंने बताया वही है अल्टीमेट स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो उसके ऊपर से लिखा हुआ है वो कितना है देखो मैक्सिमम लोड द सिस्टम के अनडरस्टैंड डिवाइड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया पर ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ठीक है मतलब पर्टिकुलर एरिया में मैक्सिमम कितना लोड सिस्टम सह सकती है वो अभी वर्किंग स्ट्रेस जो क्या है वर्किंग स्ट्रेस क्या चीज़ थी ओके okay. वो देखना है इट इज़ द एक्चुअल प्रैक्टिकल स्ट्रेस ऑन सिस्टम मतलब जो प्रैक्टिकल स्ट्रेस है वही है वर्किंग स्ट्रेस और एक डेफिनेशन है वर्किंग स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्चुअल लोड कितना है ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ओके okay. उसी को बोला जाता है कि वर्किंग स्ट्रेस वर्किंग स्ट्रेस क्या है एक्चुअल लोड ऑन दी स्पेसीमैन क्या सिस्टम एक्चुअल लोड ऑन दी स्पेसीमैन और सिस्टम पर ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है देखो मतलब सेफ्टी के लिए क्या फैक्टर है देखो वर्किंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम अलाउड ओके स्ट्रेस ऑन द सिस्टम फॉर द सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर दिस वर्किंग स्ट्रेस शुड बी लेस देन इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल मतलब वर्किंग स्ट्रेस इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द अल्टीमेट स्ट्रेस बाय अ नंबर कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओके तो वर्किंग स्ट्रेस देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है मतलब सेफ्टी के लिए क्या चीज होना चाहिए तो जो वर्किंग स्ट्रेस है वो मैक्सिमम अलाउड स्ट्रेस है तो क्या होना चाहिए कि जो लिमिट है इसकी द वर्किंग स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट जो है ओके इलास्टिक लिमिट उससे वर्किंग स्ट्रेस हमेशा कम ही रखना चाहिए ओके okay? सेफ्टी के लिए सेफ्टी के स्ट्रक्चर में मतलब वर्किंग स्ट्रेस इज डिटर्मेंड बाई डिवाइडिंग द अल्टीमेट स्ट्रेस बाई ए नंबर कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओके फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डेफिनेशन देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस जो है वो वो रहता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैगजिमम लोड दैट द स्ट्रक्चर कैन बियर टू द एक्चुअल लोड ऑन द स्ट्रक्चर ओके एग्जाम्पल क्या है देखो जो वेइंग बैलेंस यूज इन ग्रॉसरी शॉप ग्रॉसरी शॉप में जो ना वजन करने के लिए जो चीज़ रहती है ओके okay, वेट करने के लिए इवन दो द व व वेट बैलेंस कैन बीयर अ लोड ऑफ टेन के जी तो वो जो रहता है ना वेट बैलेंस वो एक्चुअली टेन के जी का वेट तो सहन से, कर सकता है बट द मैसेज रिटर्न ऑन इट मे बी ओनली फॉर फाइव के जी पर उसमें फाइव के जी लिखा रहता है क्यों क्योंकि सेफ्टी के पर्पज से वो लोग वर्किंग स्ट्रेस की जो ये रहती है लिमिट वहाँ पर कम दिखाते हैं एज कंपेयर टू इलास्टिक लिमिट ओके एग्जाम्पल क्या है okay? example और एक एग्जांपल है वो देखो क्या है मैसेज ऑन लिफ्ट मे बी ओनली फॉर फाइव पर्सेंस बट एक्चुअली कैपेसिटी इज ट्वेंटी पर्सेंस ओके यहाँ पे नीचे ट्वेंटी होगा ओके यानी ये तो मतलब क्या है कि लिफ्ट में कैपेसिटी तो ज्यादा लोगों की रहती है फिर भी वहां पे लिखा जाता है मैसेज कि पाँच ही लोग लेके जाओ क्यों क्योंकि सेफ्टी के पर्पज से लिखा जाता है इट इट्स फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेफ्टी के पर्पज से ऐसा किया जाता है कि मतलब कम लोग वहां पे जाए ओके उससे किसी भी तरह का आ, रिस्क नहीं रहेगा ओके <coughs> नेक्स्ट देखते हैं अभी है पॉइंस रेशियो ये भी चीज़ है तो एक चीज़ क्या है देखो पॉइसं रेशियो वेन मेटल वायर इज स्ट्रेच्ड मतलब इट्स लेंथ इंक्रीजेस बट इट बिकम्स थिनर मतलब क्या है कोई भी मेटल वायर है वो जैसे ही स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा उसकी लेंथ तो बढ़ेगी बट उसकी जो डायमीटर है वो कम कम होती जाएगी इसलिए वो थीन दिखेगी हमें स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन ओके ये भी हमें मालूम है इफ़ वन एंड ऑफ द मेटल वायर इज़ फिक्स टू द रिजिड अगर यहाँ पे देखो जैसा एक उसका एंड है वो हमने फिक्स कर दिया है और दूसरा एंड है वो वहाँ पे लोड अटैच किया है ओके okay? तो यहाँ पे डायमेंशन तो इसका चेंज होगा तो वो दो दो टाइप से होगा अलोंग द डेक्शन ऑफ फोर्स फोर्स का डिरेक्शन देखो यहाँ पे है ओके okay? तो उस डिरशन में होगा अलोंग द डरेक्शन ऑफ वायर दैट इज लॉन्जिट्यूडनल दैट इज टेंसाइल लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस दैट इज लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन तो ये एक्सटेंशन होगा ओके okay? एड अगर इन दी परपेंडिकुलर डिरेक्शन ऑफ फोर्स तो परपेंडिकुलर डिरेक्शन तो यहाँ पे होगा अलॉन्ग साइड्स ऑफ द वायर दैट इज लेटरल साइड दैट इज ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द वायर डिक्रीजेस तो यहाँ पे क्या होगा जो डायमीटर है वायर का वो एक्चुअली डिक्रीज होना चालू हो जाएगा ऐसा फोर्स का डिरेक्शन ही होगा दैट इज लेटरल कॉन्ट्रैक्शन लेटरल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं उसको थर्स इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ्स तो यहाँ पे क्या होगा दो टाइप के स्ट्रेंथ रहेंगे लॉन्जिटूनस स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेंथ ओके लॉन्जिटनल स्ट्रेन क्या रहेगा इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ऑरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर ओके स्ट्रेन का ही डेफिनेशन है एंड लेट कैपिटल एल इज द ऑरिजनल लेंथ ऑफ द वायर स्मॉल एल इज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर मतलब एक्सटेंशन सो लॉन्जिट्यूनस स्ट्रेस इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल एल अपन कैपिटल एल और लेटरल स्ट्रेन देखो यहाँ पे क्या डेफिनेशन है इट इज़ द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन डायमीटर ऑफ द ओरिजिनल डायमीटर ऑफ द वायर मतलब ये रेशियो है डिक्रीज इन डाययामीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर ऑफ द वायर हमने पहले क्या देखा था इंक्रीज इन था ना वो लेंथ वाला इधर क्या है डिक्रीज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर ऑफ द वायर मतलब डायमीटर में जो चेंज हो रहा है डिवाइड बाई ओरिजिनल डायमीटर ओके लेट डी इज द ओरिजिनल डायमीटर स्मॉल डी इज द डिक्रीज इन डायमीटर सो लेटरल स्ट्रेन इज द डिक्रीज इन डाययामीटर डिवाइड बाई ओरिजिनल डायमीटर स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी ऐसा होगा ओके लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या होगा स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल एंड लेटरल स्ट्रेन का क्या होगा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी ओके फॉर्मूला याद रखो पॉइस रेशियो तो क्या है देखो पॉइसं रेशियो एज लेंथ ऑफ द वायर गोज ऑन एंड इंक्रीजिंग द वायर बिकम्स थिनर एंड थिनर दैट इज लेटरल स्ट्रेन एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्जिटल स्ट्रेन तो यहाँ पे क्या होगा लेटरल स्ट्रेन है वो लॉन्जिटल स्ट्रेन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तोस for given material within elastic limit the lateral strain is directly proportional to the longitudinal strain so lateral strain is directly proportional to longitudinal strain ये होगा पहला relation तो directly proportional का जो साइन अगर निकाल देंगे तो वहाँ पे एक constant आ जाएगा उस constant की जगह पे हम ये sigma put कर देंगे okay तो ये sigma जो है उसी को क्या actual में क्या बोला जाता है poisson's ratio okay उसी को poisson's ratio बोला जाता है <coughs> poisson's ratio is defined as the रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेंथ टू द लॉन्जिटुल स्ट्रेंथ ओके फॉर अ गिवन मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट दिस रेशियो इज कांस्टेंट, मतलब किसी भी मटेरियल का अगर इलास्टिक लिमिट में ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट ही रहेगा ओके पॉइसन्स रेशियो लैटरल स्ट्रेंथ टू द लॉजिटुल लेटरल स्मॉल क्या क्या होगा माइनस स्मॉल डी अभी माइनस निगेटिव साइन क्यों आया है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज इन लेंथ हुआ था ओके okay. इंक्रीज इन नहीं था पहले जो डायमीटर में था ना डायमीटर में डिक्रीज इन डायमीटर था ना इसलिए माइनस डी अपॉन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल ओके और पॉइंस रेशियो हैज नो यूनिट तो यहाँ पे क्या हुआ सेम क्वांटिटीज है स्ट्रेन स्ट्रेन है दोनों में ऊपर स्ट्रेन है नीचे भी स्ट्रेन है तो क्या हो गया यूनिट यहाँ पे कुछ नहीं होगा नो यूनिट नो डायमेंशन सो सिग्मा कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है द मैगजिम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सिगमा इज़ पॉइंट फाइव मिनिमम एंड निगेटिव वैल्यू ऑफ सिगमा इज माइनस वन ओके तो पॉइंट फाइव से लेकर तो ये सिगमा है इसकी देखो जो वैल्यूज़ है तो वो कौन सी रेंज में आएगी इस तरह से रहेगा देखो तो वो मैगजिम जो उसकी वैल्यू है पॉइंट फाइव एंड मिनिमम नेगेटिव वैल्यू जो रहेगी उसकी माइनस वन है तो ये ये लिमिट है उसका माइनस वन से छोटा नहीं रहेगा नहीं ऐसा रहेगा इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू ओके मतलब माइनस वन सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा होगा पॉइंट फाइव <coughs> अभी देखो फैक्टर्स जो है इलास्टिसिटी पे अफेक्ट हो रहे वो फैक्टर्स कौन से कौन से हैं देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी तो हमने अलग अलग तो यहाँ पे इलास्टिसिटीज मटेरियल डिपेंडेंट है बताया था दैट इज फॉर अ गिवन मटेरियल इलास्टिसिटी इज कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट रहता है किसी मेटर को द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल ग्रेटली अफेक्ट इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज ओके जो स्ट्रक्चर है मटेरियल का वो बहुत अफेक्ट करता है हमेशा इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे मेटल्स आर एन एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टलाइट्स विच आर अरेज इन रैंडम फैशन मतलब मेटल जो रहते हैं वो तो पूरा क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं ओके okay? मतलब उसमें बहुत सारे यहाँ पे क्रिस्टल मॉलिकल्स इवन दो इलास्टिसिटी इज़ कॉन्स्टेंट फॉर गिवन मटेरियल मतलब इलास्टिसिटी जो है वो एक्चुअली कॉन्स्टेंट होती है फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स इलास्टिसिटी दैट इज़ फॉर अ गिवन मटेरियल फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट इलास्टिसिटी तो देखो फैक्टर्स क्या क्या है फर्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब मेटल मत, जो मटेरियल है हमारा मटेरियल पर क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का मेजोरिटी केसेस एज द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इंक्रीजेस अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है द इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल डिक्रीजेस तो क्या होता है वहाँ पे जो इलास्टिसिटी है डिक्रीज़ होना चालू होता है एंड वाइस वर्सा भी मतलब उसका उल्टा भी होता है मतलब अगर इलास्टिसिटी वहाँ पे ज़्यादा हो जाए नहीं मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाए टेम्परेचर कम हो जाए तो इलास्टिसिटी वहाँ पर इंक्रीज़ होगा ओके एज द टेम्परेचर ऑफ़ द मटेरियल इंक्रीजेस टेम्परेचर अगर मटेरियल का अगर हम इंक्रीज़ करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस वहाँ पे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वहाँ पे इंक्रीज होना चालू हो जाता है एंड हिंस इंट्रा इंट्रामोलिकुलर फोर्स डिक्रीजेस तो वहाँ इंट्रा इंट्रामोलिकुलर फोर्स वहाँ पे डिक्रीज होना चालू हो जाता है तो वहाँ ये एक्चुअली क्या कर देता है डिक्रीज इन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स को भी यहाँ पर कम कर देता है एंड हिंस इलास्टिसिटी डिक्रीज है तो इसलिए क्या होता है वो फिर से उसका ओरिजिनल शेप रिगेन करने में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते इसलिए वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इलास्टिसिटी वहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है इफ लीड इज कूल्ड तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया होगा इफ़ लीड इज़ कूल्ड इन लिक्विड एयर लिक्विड एयर में अगर लीड को हम कूल cool करते हैं इट बिकम्स इलास्टिक तो वहाँ पर वो इलास्टिक हो जाता है अब कार्बन फिलामेंट इज इलास्टिक एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर कार्बन फिलामेंट वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर इलास्टिक होता है बट इट बिकम्स प्लास्टिक वेन हीटेड बाई पासिंग करंट थ्रू इट ओके मतलब कार्बन जो है फिलाेंट वो एक्चुअली पहले इलास्टिक रहता है लेकिन अगर हम उसका टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो वहाँ पे वो क्या प्लास्टिक बन जाता है फिर प्लास्टिक मटेरियल बट इन स्टील इज एक्सेप्शन फॉर दिस इन केस ऑफ इनवार स्टील इनवार स्टील का मटेरियल है तो इन केस ऑफ इनवार स्टील निकेल थर्टी सिक्स परसेंट आयन सिक्सटी फोर परसेंट एलॉय ओके इसका एलॉय बनाया हुआ है लो कोइविशंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन द इलास्टिसिटी रिमेंस अनअफेक्टेड बाई द चेंज ऑफ टेम्परेचर वहां पे तो इलास्टिसिटी वहां पे अनअफेक्टेड होती है ओके okay? है जी भले कितना ही हम टेम्परेचर चेंज करें नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ एनीलिंग एनीलिंग प्रोसेस क्या है पहले वो देख लो ठीक है तो तो इन द प्रोसेस ऑफ एनीलिंग पहले क्या करते हैं हम मेटल को हीट करते हैं देन उसको तुरंत तो उसको कूल भी करते हैं बिकॉज ऑफ एनीलिंग द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल डिक्रीजेज तो ये एनीलिंग करने की वजह से मटेरियल का इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाता है इलास्टिसिटी डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है मटेरियल एकदम ईजिली वहाँ पर सॉफ्ट हो वो सॉफ्ट हो जाता है मटेरियल ठीक है तो ये एनीलिंग का देखो यहाँ पे प्रोसेस दिखाया गया और यहाँ पे जो मटेरियल है तो एनील मटेरियल है वो यहाँ पे है जो एक्चुअली फ्लेक्सिबल हो जाता है ड्यू टू एनीलिंग द स्मॉलर क्रिस्टल्स ये पूरा एक ही पॉइंट है ओके okay? इसमें ही ये पूरा ही है टू थ्री फोर नहीं है ओके सो ड्यू टू एनलिंग द स्मॉलर क्रिस्टल्स प्रेजेंट इनसाइड द मटेरियल गेट ओरिएंटेड इन वन पर्टिकुलर डिरेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल ग्रेन्स ओके प्लेस तो क्या होता है एनलिंग होने के वजह से करने से वजह क्या होता है जो स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स है जो मटेरियल के अंदर रहेंगे तो एक लाइन में आ जाते हैं एंड फॉर वहाँ पे लार्ज क्रिस्टल वहाँ पे बन जाता है थर्स सॉफ्टनिंग ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मटेरियल है वहाँ पे सॉफ्ट हो जाता है विच इंक्रीजेज द प्लास्टिसिटी एंड डिक्रीजेज द इलास्टिसिटी तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे प्लास्टिसिटी वहाँ पे इंक्रीज होना चालू होता है और इलास्टिसिटी वहाँ पे डिक्रीज होना चालू हो जाता है ओके okay. अभी क्या है थर्ड देखते हैं इफेक्ट ऑफ हैमरिंग एंड रोलिंग द मटेरियल तो हैमरिंग का क्या होता है देखो द मेटल्स विद स्मॉलर ग्रेन्स ओके मतलब मेटल से ओके आर स्ट्रोंगर स्मॉलर ग्रेन्स के मटेरियल रहते हैं तो वो स्ट्रोंगर रहते हैं एंड दो विद लार्जर ग्रेन्स मतलब लार्जर ग्रेन्स से स्मॉलर ग्रेन्स वाले रहते हैं वो स्मॉल रहते हैं ओके मीनस जहाँ पे मॉलिकल्स का ऐसा ग्रुप रहता है मटेरियल के अंदर भी ओके okay. तो जो ऐसे लार्जर ग्रुप रहेंगे मॉलिकल्स के उसको लार्जर ग्रेन बोलते हैं कम वाले जो रहते हैं उसको स्मॉलर ग्रेन बोलते हैं ड्यू टू ऑपरेशंस लाइक हैमरिंग हैमरिंग करने से क्या होता है हैमरिंग एंड रोलिंग से क्रिस्टल ग्रेन्स ब्रेकअप इंटू स्मॉलर यूनिट्स तो क्रिस्टल रेन्स ब्रेकअप हो जाते हैं ओके okay, पूरा टूट जाता है विच इंक्रीजेस इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल तो उसके वजह से इलास्टिक प्रॉपर्टी वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है थस हैमरिंग एंड रोलिंग इंक्रीज द इलास्टिसिटी एंड डिक्रीज द प्लास्टिसिटी तो हैमरिंग एंड रोलिंग करने से क्या हो जाता है कि वो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है उसके और प्लास्टिक वहाँ पे डिक्रीज हो जाती है इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज़ तो इम्प्योरिटीज़ अगर ऐड करने से क्या होता है द इम्प्योरिटी अफेक्ट द इलास्टिक एक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल टू विच दे आर एडिड समटाइम्स सुटेबल इंप्योरिटीज़ आर एडेड टू मटेरियल मेटल्स टू इंक्रीज बाइंडिंग्स बिटवीन द क्रिस्टल ग्रेन्स विदाउट डिस्टर्बिंग देयर ओरिएंटेशन तो क्या होता है इम्प्योरिटीज हम अगर uh, उसमें ऐड करते हैं तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी इलास्टिक प्रॉपर्टीज भी इम्प्रूव होती है ओके okay? तो वो क्या करते हैं कभी कभी हम क्या करते हैं इम्प्योरिटीज़ वहाँ पे बहुत ऐड कर देते हैं टू इंक्रीज बाइंडिंग्स बिटवीन द क्रिस्टल ग्रेन्स तो क्रिस्टल ग्रेन्स के बीच में जो बाइंड बॉन्डिंग था बाइंडिंग था वो पूरा वो पढ़ाने के लिए विदाउट डिस्टर्बिंग देयर ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन डिस्टर्ब किए बिना करना है ओके द इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर स्ट्रेंथ बाय एडिंग इंप्योरिटीज टू द मटेरियल मेटल ओके तो मेटल के अंदर हम इम्प्यूरिटीज ऐड करके उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को और स्ट्रेंथ दे सकते हैं एग्जाम्पल टू स्ट्रेंग देन इलास्टिक प्रॉपर्टीज टू स्ट्रेंगदेन इलास्टिक प्रॉपर्टीज फ्यू अमाउंट ऑफ पोटेशियम इन गोल्ड ओके आर एडेड एंड फ्यू अमाउंट ऑफ कार्बन इन मोल्टन स्टील आर एडेड तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं uh, कुछ अमाउंट का पोटेशियम हम गोल्ड के अंदर एड कर देते हैं या फिर कुछ अमाउंट के कार्बन uh, हम मोल्टन स्टील में एड करते थे इन सम केसेस बाय एडिशन ऑफ इंप्योरिटी इन द मटेरियल द इलास्टिसिटी डिक्रीज है कुछ मटेरियल पे ऐसा भी हो जाता है कि इंप्योरिटी ऐड करने से इलास्टिसिटी कम हो जाती है ओके okay? है ऐसा भी देते हैं नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ रिकरिंग स्ट्रेस तो रिकरिंग स्ट्रेस ये चीज़ क्या है देखो इफ रिपीटेड स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन दिस सेम बॉडी अगर हम रिपीटली अगर स्ट्रेस अप्लाइड कर रहे हैं किसी बॉडी पे तो क्या होता है वो बॉडी सॉफ्ट होना चालू हो जाती है सॉफ्टनिंग ऑफ मटेरियल एक्सप्रेस एंड इंक्रीजेस द प्लास्टिसिटी एंड हेज डिक्रीजेज द इलासिटी और सॉफ्ट होने की वजह से क्या होता है कि उसकी प्लास्टिसिटी बढ़ जाती है एंड वहां पर इलास्टिसिटी कम कम हो जाती है ओके okay. मतलब अगर इलास्टिसिटी बढ़ गई तो प्लास्टिसिटी कम होनी है प्लास्टिसिटी बढ़ गई तो इलास्टिसिटी कम होनी है ओके okay. ऐसा है विच इज मोर इलास्टिक स्टील और रबर वाई ओके तो देखो यहाँ पे स्टील और रबर दोनों में से क्या ज्यादा इलास्टिक है यह पूछा गया तो आपको तो ऐसा लगेगा देखो रब्बर हम इजिली ऐसा खींच सकते हैं तो आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा इलास्टिक रबर है और स्टील ऐसा खींचोगे तो इजीली होगा नहीं बट ऐसा नहीं है हम अगर उसके प्रॉपर्टीज़ अगर इलास्टिसिटी एक्चुअली जो फिजिक्स में इलास्टिसिटी है वर्ड उसके प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो वो हिसाब से स्टील सबसे ज़्यादा इलास्टिक है ओके स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर देखो यहाँ पे अगर क्या लिखा है देखो इफ़ बॉडी रेजिस्ट डिफॉर्मेशन एंड रिकवर्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप इमिडिएटली ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स देन इट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी तो ये जो डेफिनेशन है इलास्टिसिटी का कि वो बॉडी को डिफार्मेशन में जाना है और उसके बाद वो जैसे हम डिफॉर्मिंग बोर्ड रिमूव करेंगे वो तुरंत रिकवर करेगी ओके वो बॉडी ओरिजिनल शेप में साइज एंड शेप में तो हम बोल सकते कि वो अच्छी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है तो कंसिडर uh, करो कि यहाँ पे हमारे पास अगर दो वायर्स uh, है एक रबर का वायर है एक स्टील का वायर है अगर हम वहाँ पे लोड डालते हैं ओके अगर ज़्यादा लोड डालते हैं तो रबर कुछ टाइम के बाद तो इतना इलॉन्गेट हो जाएगा कि वो वापस प्लास्टिसिटी में चला जाएगा मतलब वो खुद को रिगेन कर ही नहीं पाएगा बट स्टील का वैसा नहीं है स्टील का मैक्सिमम लोड वहां पे सेंड कर सकता है ओके और उसमें भी इलोंगेशन होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में इलोंगेशन वहां पे दिखाई देता है ओके ऑब्जर्व कर सकते हो ओके इसलिए इसलिए स्टील को ज्यादा इलास्टिक बोला है मोर इलास्टिक बोला है मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस वहां पर वो सहन कर सकता है ओके यहाँ पे नेक्स्ट <coughs> देखो क्या है वी हैव देखो वाई इज इक्वल टू एव ए बाई एल स्म ए एल बाई एल y is directly proportional to f by l, okay. so यहाँ पे ये relation भी बताया गया है देखो वहाँ y is Young's modulus of elasticity, f is restoring force and l जो है वो extension produced in the wire. in case of elastic body, elastic body इसमें क्या होता है कि force of opposition starts building while deforming in the body, okay? Uh, और देखो क्या है, if steel and rubber are taken under consideration, अगर steel and rubber हम consider करते हैं, steel क्या करता है मोर अपोजिशन वहाँ पे देता है ओके okay ना ये बराबर है क्योंकि उसमें जो रहता है मोर अपोजिशन टू प्रोड्यूस चेंज इन शेप चेंज इन शेप एंड साइज के लिए बहुत अपोजिशन दे रहा है हेंस स्टील इज मोर इलास्टिक इन केस ऑफ स्टील रिस्टोरिंग फोर्स इज मोर ओके रिस्टोरिंग फोर्स बहुत ज़्यादा है एंड एक्सटेंशन प्रोड्यूस इज लेस है यहाँ पे बहुत अप्रोक्सीमेटली टू परसेंट ऑरिजिनल लेंथ उतना इतना ही एक्सटेंशन है यहाँ पे दैट इज इलास्टिसिटी इज मोर वाई फॉर स्टील इज इक्वल टू टू इंटू टेन रिज टू इलेवन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और अभी रबर का देखे रबर के केस में क्या है रबर ऑफर्स लेस अपोजिशन टू प्रोड्यूस चेंज इन शेप तुरंत वो उसका साइज और शेप चेंज हो जाता है मतलब वो अपोजिशन ज्यादा नहीं कर रहा है इन केस ऑफ रबर रिस्टोरिंग फोर्स इज लेस वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लेस है एंड एक्सटेंशन इज मोर यहाँ पे एक्सटेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है मे लेंथ गेट डबल दैट इज इलास्टिसिटी इज लेस वहाँ पर इलास्टिसिटी इसलिए कम हो रहा है वाई फॉर रबर तो यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलर अगर रबर का देखें तो वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू द पावर सेवन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब ये वाले जो यंग्स मॉडूल्स है स्टील का उससे वो रबर का यंग्स मॉडूल्स कम है नोट इफ रबर इज स्ट्रेच नोट इफ रबर इज स्ट्रेच्ड इवन टेन टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ ओके रबर को अगर टेन टाइम्स ओरिजिनल लेंथ से अगर हम स्ट्रेच करते हैं एंड रिलीज देन इट रिगेंट्स इट्स ओरिजिनल लेंथ ओके इन दिस रिगार्ड स्ट्रेचिंग रबर इज मोर इलास्टिक अगर ऐसा करें तो है Okay. मतलब अगर उसको लेकिन बहुत ज्यादा लिमिट से आप खींचे हो तो वो वापस प्लास्टिक बन जाएगा इसलिए हम स्टील को बहुत ज्यादा इलास्टिक बोलते हैं okay? ओके ये चीज है सो दिस इज ऑल अबाउट दी टूडेज लेक्चर आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क थैंक यू वेरी मच